Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will talk about structure or osteo of spleen. Spleen jise hum urdu mein tile bolte hain to usko hum dekhne ja rahe hain. Sabse pehle main aapko iski anatomical position samjhaunga ki body mein hoti kya hai. Spleen left side pe maujood hoti hai, left hypochondrium mein, aur ye stomach ke fundus ke sath contact mein hoti hai. Ab dekhiye, ye stomach hai hamare paas, theek hai, aur ye stomach ka cardiac end hai jo ki yahan pe bandha hua hai, aur niche hamare paas pyloric end hai. ठीक है, स्प्लीन इस तरीके से हमारे साथ मौजूद होती है बॉडी में. इसका ये डायफ्रैगमेटिक सरफेस है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, और ये इस तरह इसके साथ स्टमक के साथ होती है. किस लिगामेंट से जुड़ी होती है, वो हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है ये वाला, ठीक है. और इधर हमारे पास लिनो रिनल लिगामेंट है, ये लिनो रिनल लिगामेंट या स्प्लीनो रिनल लिगामेंट, और ये हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. तो बॉडी में इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी होती है इस तरीके से. तो इसका सुपीरियर बॉर्डर नॉच्ड होता है, इन्फीरियर एंड जो होता है या जिसे हम एंटीरियर एंड बोलते हैं, एंटीरियर एंड थोड़ा सा एंटीरियर वाली साइड पे होगा और इसे लेटरल साइड पे होगा. तो ये एंटीरियर और लेटरल एंड है, ये पोस्टीरियर और मीडियल एंड है, ठीक है. तो इस तरीके से ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है. अब हम इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं. इस ये हमारे पास आइसोलेटरी स्प्लीन है जो कि बॉडी से निकाल दी गई है. तो इसका स्ट्रक्चर करने के लिए आप देखें, सबसे पहले इसकी सर्फेसिस जो मैंने हाथ पक में ली हुई है, इस तरीके से पकड़ी हुई है, ये हमारे पास डायफ्रैगमेटिक सर्फेस है, ये हमारे पास टोटल विजरल सर्फेस है. इसके ऊपर हमारे पास हाइलम भी है और डिफरेंट इंप्रेशंस भी हैं, ठीक है. और अब हम देख लेते हैं बॉर्डर्स. बॉर्डर्स में हमारे पास ये सुपीरियर बॉर्डर है जो कि नॉच्ड है. इसकी रिकग्निशन यही है कि ये नॉच्ड होगा, ठीक है. और ये सुपीरियर बॉर्डर है जो कि इधर से कंटिन्यू करेगा इन्फीरियर बॉर्डर से एंटीरियर एंड तक, पोस्टीरियर एंड तक, सॉरी, ठीक है. उसके बाद ये इंटरमीडिएट और मिडिल बॉर्डर है जो कि हाइलम के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे है, और लास्ट पे हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है. अब जो हमारे पास एंड्स भी हो गए, सर्फेसिस बॉर्डर्स भी हो गए, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इंप्रेशंस जो स्प्लीन के ऊपर हैं. स्प्लीन के इंप्रेशंस देखें, ये जो एरिया था मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया, यहाँ पे जो ये वाला एरिया था हाइलम के ऊपर, वो फंडस ऑफ स्टमक के साथ कॉन्टैक्ट में है. तो इसको हम कहेंगे गास्ट्रिक इंप्रेशन ऑफ स्प्लीन. और ये वाला जो इंप्रेशन होता है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट में होता है कॉलिक, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर के साथ, ठीक है. तो ये हमारे पास कॉलिक इंप्रेशन होगा. और ये वाला जो है, ये लेफ्ट किडनी के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, और ये रीनल इंप्रेशन है, ठीक है जी. और उसके बाद ये हमारे पास हाइलम ऑफ स्प्लीन है जिसमें स्प्लीन, स्प्लीनिक वेसल्स और डिफरेंट लिगामेंट्स हैं. दो लिगामेंट्स मेन है, जो मीडियल साइड पे है वो हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है. यहाँ पे पिन लगे तो आपने गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट लिखना है, और अगर लेटर साइड पे लगे तो आपने यहाँ पे लिनोरीनल या फिर स्प्लीनोरीनल लिगामेंट लिखना है, ठीक है जी. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट था जो कि स्टमक के साथ कॉन्टैक्ट में था, और यहाँ पे लिनोरीनल लिगामेंट है जो कि किडनी के साथ कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है जी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ऑस्पी के लिए स्प्लीन के मुतल्लिक पता होनी चाहिए. सो दैट्स ऑल.